रूस और यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रही। कीव में हो रहे युद्ध की वजह से अब आम लोगों को भी जान का डर सता रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ और रूस की फौज का एक रॉकेट तो सीधा एक बहुमंजिला इमारत से टकरा गया। हमले का वीडियो पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हवा में धुआं छोड़ता हुआ रॉकेट सीधा बिल्डिंग से टकरा गया। तेज धमाके की आवाज आई और धूल के गुबार ने थोड़ी देर के लिए सब कुछ ढक दिया। ये इमारत कीव के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बताई जा रही। करीब 25 मंजिल ऊंची इस इमारत के जिस हिस्से से रॉकेट टकराया वो तहस नहस हो गया। करीब 5 से 7 मंजिलें ऐसी हैं जो इस हमले की चपेट में आई। माना जा रहा है कि इस इमारत को एहतियातन खाली करवा लिया गया था, इसलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अकेली ऐसी इमारत नहीं है जहां रूस की फौज के हमले हुए हों। दिन तो क्या, रात में भी यूक्रेन की राजधानी में बम और मिसाइलों का शोर लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। क्योंकि रात भर धमाकों का शोर लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी से लोगों ने ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर डाले जिनमें कहीं आग की लपटें उठती दिखी तो कहीं गोलीबारी और धमाकों का शोर सुनाई दिया। युद्ध के पहले दिन तो रात के वक्त ही एक रिहायशी बिल्डिंग पर रूस की मिसाइल का एक टुकड़ा आकर गिरा था। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस की इस मिसाइल को यूक्रेन की फौज ने हवा में ही ढेर कर दिया था, लेकिन ढेर होने के बाद मिसाइल इस बिल्डिंग पर गिरी जिसकी वजह से बिल्डिंग खंडहर में बदल गई। लेकिन कीव में चल रहे संघर्ष की वजह से यूक्रेन के नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया। रूस की सेना के हवाई हमलों की खबरों के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। एक ऐसा वीडियो जिसमें कीव की सड़कों पर कुछ लोग घुटनों पर बैठे दिखे। ये वीडियो काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में जो सैनिक हथियारों के साथ सड़क पर दिखे वो रूस के बताए जा रहे हैं। दावा यह है कि हथियारों की नोक पर आम लोगों को भी बंधक बनाया गया। हालांकि वीडियो की हकीकत साफ नहीं हुई क्योंकि आम लोगों की ही कुछ गाड़ियां उस वक्त सड़क से गुजरती भी दिखी। सैनिकों ने एक कार को रोक कर कुछ पूछा और फिर उन्हें जाने दिया। आम लोगों पर रूस की फौज की बर्बरता की खबरों के बीच कीव की एक और सरकारी इमारत पर हमले की खबर आई। हवाई हमले में इमारत के एक हिस्से में आग लग गई जिस पर बाद में काबू पा लिया गया।